अंता में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में लोकार्पण व शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि खनन व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया रहे। इस दौरान मंत्री भाया ने ट्रोमा सेंटर सहित लगभग 6 दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंत्री भाया ने अपने संबोधन में कहा कि उनके द्वारा सभी जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार मानते हुए कार्य किए हैं तथा पूरे तन मन धन से सभी की यथासंभव मदद करने का प्रयास किया है। मंत्री भाया ने कहा कि आगामी समय में चुनाव के दौरान कुछ लोग अनर्गल झूठी बातें फैलाकर भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, उनके बहकावे में नहीं आए तथा धार्मिक व विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की ताकत एवं गौ माता के आशीर्वाद से उन्हें गोपालन मंत्री पद मिला है। भाजपा की सरकार में 499 करोड़ का अनुदान दिया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा अनुदान राशि में बढ़ोतरी करते हुए 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान अब तक दिया जा चुका है। चेयरमैन मुस्तफा खान के नेतृत्व में मंत्री भाया का 51 किलो के पुष्पहार पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। समाज के हमारे साथी हैं, उनको व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं गुलाम, कोई धाकड़ समाज के हमारे साथी हैं उनके लिए अनर्गल लिख रहे हैं, कोई दूसरे समाजों के कोई साथी हैं उनके लिए अनर्गल लिख रहे हैं। इन सब चीजों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। मतलब उनकी नंगाई में शामिल हो, मेरे माता पिता को 30 साल मरे हो गए, उन निकम्मे लोगों की तरह वो भी मेरे माँ बाप को गाली गाली निकाले तो वो समाज के अच्छे लोग हैं और वो इंसानियत को मद्देनजर रखकर अच्छे काम में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें तो वो समाज के गद्दार लोग हैं। ये सब चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।